राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस में चल रही सियासी संग्राम को थामने की कोशिश की हो, लेकिन पार्टी के आंतरिक कलह का खामियाजा राजस्थान में भी भुगतना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के अकेले दम पर सिर्फ 3 राज्य में सरकार है और हर जगह कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से छिपी हुई नहीं है। माना जा रहा है कि पंजाब के बदलाव से राजस्थान में पायलट खेमे में भी उत्साह बन गया है और यहां एक बार फिर अशोक गहलोत को हटाए जाने की मांग जोरों पर है। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी मतभेद को एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। हाईकमान के दखल के बाद दोनों नेताओं के खेमों के बीच सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी पायलट खेमे के विधायकों ने कैबिनेट फेरबदल का वादा पूरा नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी बरकरार है। सचिन पायलट के एक करीबी नेता ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि हमें जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि पायलट की राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई आला नेताओं से पहले भी मुलाकात हुई है। ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में पार्टी एक बड़ा बदलाव करेगी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान की स्थिति पंजाब से अलग है, क्योंकि अशोक गहलोत की अभी भी पार्टी पर पकड़ है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अपनी ही पार्टी के लोग सीएम पद पर नहीं देखना चाहते थे। वही पंजाब में साल 2022 में ही विधानसभा के चुनाव है, जबकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है। पॉलिटिक्स एनालिसिस मनीष गोड़ा राजस्थान में पंजाब के साथ होने की आशंका खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के काफी करीब है, हालांकि पार्टी नेतृत्व को नेताओं की नाराजगी का हल खोजना पड़ेगा, क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा है। वही एक अन्य कांग्रेस नेता ने बताया कि पंजाब के बाद राहुल गांधी का अगला फोकस राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट ने बीते शुक्रवार ही राहुल गांधी से मुलाकात की, दोनों के बीच लंबी चर्चा भी हुई, जिसके बाद राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल की अटकलों को हवा मिल गई है। सचिन पायलट ने इससे जुड़े सवालों को कुछ भी जवाब नहीं दिए। सचिन पायलट के करीबी विधायक ने हमारे सहयोगी से कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो पंजाब में किया उससे हमारा मनोबल भी बढ़ा है, यहाँ पर भी बदलाव होंगे। ये बदलाव साल 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होंगे। हालांकि अशोक गहलोत के करीबियों का कहना है कि पंजाब के अमरिंदर सिंह को राजस्थान के सीएम में सबसे बड़ा फर्क यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए हाईकमान की पसंद नहीं थे, जबकि अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान की पसंद है। इसके अलावा अशोक गहलोत के समर्थन में 100 से ज्यादा विधायक हैं, पर गिनती कभी भी पलट सकती है। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने लालच देकर अपनी सरकार बचाई थी और राजस्थान के बॉर्डर भी बंद करवा दिए थे, नहीं तो सचिन पायलट के पास भी एक बड़ी संख्या हो सकती थी। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, क्या राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बदला जाएगा या सचिन पायलट अभी भी इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।